कोराई कोराई बार विजिबिलिटी जीरो। ऑफिस कैसे जाएं अब इसमें? मैं और रॉकी फिलहाल वॉक पे आए हैं और आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख सकते हो आप, कुछ कुछ मूवीज में बताते हैं ना, भूतिया मूवीज में। देखो आगे से एक गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट बड़ी मुश्किल से दिख रही है। मेरे को डर है कहीं आगे से कोई डॉगी वॉगी ना आ जाए, क्योंकि दिखेगा भी नहीं। अब ये अंकल गायब हो जाएंगे देखना। और वहाँ से कोई चलता आ रहा है कंबल ओढ़ के, काइंड ऑफ स्कैरी, बट हमें डर नहीं लगता। वैसे में बाइक वाइक चलाने में भी दिक्कत होती है, तो राजेश आज जल्दी तैयार हो गया था, पर अब घर पे वो बैठा है क्योंकि ऐसा वेदर हो रहा है ना। तो पापा ने बोला कि आधा एक घंटा बाद जाना, क्योंकि इस वेदर में एक्सीडेंट काफ़ी हो सकता है। एक तो आगे पीछे का ज़्यादा दूर तक कुछ दिखता नहीं है। लुक्स बेटर। हे गुड मॉर्निंग, क्या बोलती पब्लिक, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे पास एक बहुत बड़ा कुरकुरे पड़ा है और सबके साथ शेयर करके खाऊंगा मैं वो, क्योंकि अकेला नहीं खा पाऊंगा। तो वो नीचे लेके जाता हूँ और खाता हूँ। आज मैंने इस वाले डंडे से पोछा मारा और बहुत ज्यादा आसान होता है इससे पोछा मारना, बहुत आसान होता है। एफर्ट को वो लिटरली आधा कर देता है। पोछा पोछा से मारना बहुत मुश्किल होता है, पर ये डंडा जो भी है डंडे से मारने में बहुत आसानी होती है। ये ले जाता हूँ। सबने कुरकुरे खाने से मना कर दिया, तो मैं उसे नीचे ले जाऊंगा और अकेले खाऊंगा। ये जो काला कुत्ता देखा आपने कल शाम को जब हम वॉक पे गए थे, तब ये इतना ताकत बता रहा था ना। वो सो रहा था और मैं और रॉकी वॉक कर रहे थे, तो रॉकी और मेरे को देख के वो ऐसे दांत बता रहा था, ऐसे ऐसे कुत्ते बताते हैं ना, आपने देखा होगा, तो उस तरीके से वो दांत बता रहा था और भौंकने लगा। तो मैंने बोला यार ये तो शांत कुत्ता था, फालतू में भौंक ही रहा है। तो उसको चुप कराने के लिए मैंने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाते से वो भाग गया दूर। पर मेरे को अचानक पता नहीं चली बात कि वो भौंकने क्यों लगा, वो तो हमारा दोस्त था ऐसा मैं समझ रहा था, पर अचानक वो दुश्मन कैसे बन गया? अकेले ही खाना पड़ेगा। अब अगर राजेश होता तो हम दोनों खा जाते, पर आज सैटरडे है, आज छुट्टी नहीं है राजेश की, कल है, तो नहीं, मैं ये आज ही खाऊंगा। आई कांट वेट फॉर टुमारो, सॉरी राजेश, बचा सकता हूँ अगर मेरे मन में आया तो। मैं हमेशा क्या करता हूँ, कभी भी खाना होता है ना उसको मैं पहले खाता हूँ, और कोई भी ऐसे स्पेशल चीज़ होती है जैसे अभी कुरकुरे है, या समझ लो क्रीम वाले बिस्किट हो, या कुछ भी चीज़ हो स्पेशल, तो मैं कभी भी खाना पहले खाता हूँ और वो जो भी स्पेशल चीज़ होती है वो बाद में खाता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि फिर मेरे को जो स्पेशल चीज़ होती है वो खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। सही बता रहा हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बम बम बोले वाला एपिसोड चल रहा है। ओके गाइज, लंच डन, कुरकुरे डन, टीवी डन, पर एक चीज़ अभी बाकी है। तो इस हफ्ते यानी कि पिछले कुछ व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि हमने दो पार्सल रिसीव किए और दोनों में दो अलग अलग चीज़ें थी, पर वो दोनों पार्सल आने के पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैंने चार चीज़ें मंगवाई है और उनमें से तीन चीज़ें रॉकी की है, दो चीज़ें रॉकी के लिए जो हमने मंगवाई थी वो रिसीव होनी बाकी है, और अमेजोन के हिसाब से जहाँ से मैंने ऑर्डर किया वो पार्सल आज डिलीवर हो जाएगा। ये जो चीज़ हमने मंगवाई है, जो दो चीज़ आ गई वो तो चलो ठीक थी, पर ये जो दो चीज़ें आ रही है, ये जो लेटेस्ट पार्सल है, इसमें जो चीज़ें आने वाली है उसके लिए मैं कम से कम, मैं बताऊँ आपको, 6 से 8 महीने पहले भी हम लोग सोच रहे थे कि हमें ये चीज़ मंगवानी चाहिए, पर हमने मंगवाई नहीं, पता नहीं क्यों, शायद दिमाग से निकल गई थी। आज क्या हुआ, ये सारी पतंग यहाँ ऊपर पड़ी थी, पर पतंग के ऊपर एक डंडा जैसा पड़ा था जो अभी हमने हटा दिया। आज सुबह ही वो डंडा हटाया हमने, तो मैंने पोछा मारने के टाइम जब ये पंखा चालू किया ना, तो सारी पतंग उड़ने लगी थी और रॉकी यहाँ नीचे सो रहा था। वो इतना अच्छे से सो रहा था, पतंग जैसे ही नीचे गिरी ना वो डर गया बेचारा, और मैंने उसको बोला भाई सो जा, सिर्फ पतंग है। उसको ऐसे उगते देख मैं डर गया, क्योंकि वो इतनी अच्छी नींद में सो रहा था और अचानक वो जाग गया ना, तो मैं भी थोड़ा डर गया था। ये पतंग मैंने क्यों रखी है मेरे को पता नहीं,
बस रखी है। बेल बजी, लगता है पार्सल आ गया है। डबल पैकेजिंग है। अब वो दोनों चीजें मेरे हाथ में है बिलाल। खिलौने, रॉकी के पास अभी तक ऑफिशियल डॉगी के एक भी खिलौने नहीं थे, तो हमने सोचा कि यार मंगवाना चाहिए, तो ये दोनों खिलौने हमने उसके लिए मंगवाए। तो हमारे फाइनल पैकेज में थे ये दो चीजें। बहुत मस्त है और फील भी मस्त हो रहा है, एकदम नरम नरम है। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग। तो एक्चुअली कल का व्लॉग एंड मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी सो गया था। सनी ने शायद बताया होगा आपको, मैं ऑफिस से आया और तुरंत सो गया। राजेश, आज रॉकी का वो खिलौना आ गया जो हमने मंगवाया था। हाँ मैंने देखा, और जैसे ही मैंने उस बॉल का पहला टप्पा ऐसे गिराया मेरे मुंह पे, वो इतना जोर से आया, मेरे को आइडिया ही नहीं था वो इतना बाउंस होगा उसके अंदर। मेरे को लगा वो कांटे कांटे उसमें देख के ना मेरे को ऐसा लगा था ये इसको मैं नीचे फेंकूंगा, ये नीचे के नीचे रह जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा जोर से ऐसे करा था और वो इतना जोर से, मतलब मम्मी पापा सनी सब लोग ऐसे सामने सोफा पे बैठे थे, ऑफिस से आते ही मैंने वो बॉल लिया और ऐसे जोर से नीचे दबाया तो धप करके ऐसे कर। मैंने भी वही सोचा था जैसा राजेश ने सोचा था कि वो नीचे ही रह जाएगा, पर जो बाउंस राजेश ने किया वो पहला बाउंस था उस बॉल से, क्योंकि मैं एकदम उसको हीरे की तरह रख रहा था, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और मेरे को लगता है कि इन सारी चीज़ों से शायद रॉकी फैच वैच करना भी आराम से सीख सकता है। वो कुत्ता बड़ा शैतान है, वो ना चीजें लेके अपने पास ही रख लेता है। तो वही तो गेम है ना, अभी कोई चीज अगर उसको पसंद आई वो अपने पास रख लेगा, पर उसको ऐसा जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं अगर सनी को दूंगा तो वो वापस फेंकेगा और मैं वापस लेके आऊंगा। मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ पर वो फिर भी मेरे को लाके नहीं देता। अभी वो पता नहीं क्या होता है, पर वो चीज होनी चाहिए। करेगा एक दिन हमारा रॉकी भी फैच शायद। गारंटी नहीं ले सकता उसकी मैं। चलो कोई बात नहीं, एक चीज की गारंटी हम जरूर लेते हैं कि आपको ऐसे ही ब्लॉग्स बहुत सारे देखने मिलेंगे और रोज देखने मिलेंगे। वो सारे ब्लॉग्स देखने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए Thank you.